मौलाना है रूम के कॉल भी मिलते हैं, वासु साहब की भी दानश वाली बातें मिलती हैं, उसके नीचे जो कामर्स होते हैं वो जो एक बेस मुबासा है। तो मौलवियों के अंदर तो चलो ये है कि थोड़ा बेस वगैरह करने को और देखने को मिलती है, तो ये तसव्वुफ़ में भी क्या ये बेस मुबासे और ये चीज़ें जो है वो आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? तसव्वुफ़ जो है ना वो बहस की दुकान नहीं है जी। और सूफ़ी जो होते हैं उन्होंने ये बहस की और मनाजरे की जो है सौदागरी जो है जी इस तिजारत को बंद कर दिया होता है, और उसने यूं समझें कि आप एक तजर्बा गाह है या एक चाय खाना है जो तजर्बे का है जी, तो उसने वो खोल ली होती है। तो चाय खानों के अंदर जो है वो बहसो तकरार से काम जो है वो नहीं चलता सही। सूफी आपको कायल करने के लिए जो है वो कोई मदद फराहम नहीं करते ठीक जी, ये अपने आप को सिर्फ उनके लिए दस्तियाब करते हैं जो उनसे कुछ हासिल करने को तैयार है जी। ये वो विंडो शॉपिंग्स वालों को जो है वो एंटरटेन नहीं करते। यू हैव टू बी अ रियल बायर, क्योंकि ये बड़ी जो है वो कीमती चीज़ जो है वो है सही। और इस दुनिया में सिर्फ वही लोग दाखिल हो सकते हैं जो इतने हिम्मत वाले हों, जिनमें इतना हौसला हो कि वो बहसो तकरार में ना उलझे। ये बड़ी बहादुरी का जो है वो काम है। ना मालूम से बहस नहीं की जा सकती ना, अननोन से आप क्या बहस करेंगे? नहीं कर ठीक है, सिर्फ मालूम से बहस कर सकते हैं ऐसे ही। तो ये तो सारा अननोन का सफर है बिल्कुल जी ऐसे ही। और वो मौलाना ने बाकी जो है वो बहस करनी है, क्योंकि मालूम के ऊपर बहस है ना ऐसा है ठीक है। जबकि ये सफ़र जो है ये वो नामालूम का सफ़र है सही। तो आप अपनी सोच के मुताबिक कोई भी नतीजा नामालूम के बारे में अक्स नहीं कर सकते सही। जो है ही नामालूम उसके बारे में आप क्या आइडिया लाएंगे, क्या उसके मुतालिक जो है वो आप क्यास करेंगे? जो जानी पहचानी हुई चीज़ होती है, जो तजर्बा शुदा चीज़ होती है, वो ही आपको जो है सोच देती है। सोच आपको वो चीज़ दे ही नहीं सकती जिसका आपको कोई तजर्बा जो है वो नहीं है सही। तो और ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक सालिक की ज़िंदगी में जिनका तजर्बा नहीं होता उसके, उसी की तो वो तलाश में जो है वो निकला है। तो नामालूम की तलाश में निकला होता है। तो अब आप सोचने के बहुत आदी हो गए। पहले हम कह रहे थे ना कि लुत्फ नहीं उठाते ठीक है, क्योंकि हम सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, सोच बहुत, तो लुत्फ कैसे जो है वो उठाएंगे सही। तो अगर तो कोई भी सालिक या जो कोई इस राह के ऊपर चलना चाहता है वो सोचने का बहुत ज़्यादा आदी है, तो फिर आप एक मुसीबत में फंस गए बतौर सालिक सही। ना मालूम जो है वो आपकी याददाश्त से नहीं आता, बहस आपको ट्रांसपेरेंट नहीं होने देती, बहस में आपकी अना है, योर ईगो इज इन्वॉल्व जी। वो अब आप तो खुद ही उस्ताद हैं, ये कैसे हो सकता है कि मुझे ना पता हो, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। ये बिहेवियर है अना का ऐसे ही। तो अना अपने आप को बहुत बड़ा उस्ताद समझती है, तो कोई सी भी नई इन्फॉर्मेशन आए जो है ठीक है, क्या बहस में क्या हो रहा होता है, यही तो सारे साबित करने की कोशिश में होते हैं। मैं ठीक, मुझे सब पता है ठीक। तो ये अना का जो है वो बस है, और आप जिस रास्ते पर चलने के ख्वाह हैं उसमें सबसे पहले जिस कैद से आज़ाद होना है वो ये झूठी अना है। झूठी अना है। तो अब जो उससे बाहर निकल रहा है जी और जो बहस में नहीं पड़ रहा है, उस अना की उस चेन को कमज़ोर कर रहा है, रस्सी को तोड़ रहा है, वही तो रिफाइन हो रहा है सही नहीं? तो जब आप वो बहस बंद करते हैं जी और
चीज़ों को जैसे वो हैं वैसे लेते हैं, अपनी कंडीशनिंग जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। ये जो आपकी अना है ये कंडीशनिंग ही है ना आपके दिमाग की जी। आपको मुकाबला सिखाया गया है, तो हम जब बैठते हैं तो बहस के अंदर हम इसलिए नहीं बैठ रहे होते कि अगर हमें कुछ नया मिलेगा तो हम तैयार हैं अपना नज़रिया बदलने को। ऐसी हालत में तो कभी नहीं बैठते, नहीं बैठते जी। आप जितने भी मनाजरे देखते हैं तो वो इस नीयत के ऊपर होते हैं कि हमने अगले को हराना है। बिल्कुल जी, इस नीयत के ऊपर नहीं होते कि अगर जो है वो एक अनएक्सपेक्टेड सा आंसर मुझे मिल जाता है जो मेरे लिए लर्निंग है, तो क्या आई एम रेडी टू चेंज, क्या मैं अपना नज़रिया बदलने को तैयार हूँ जी। तो दरवेशों के अंदर जो है वो आपने पूछा ना कि ये बहस या तकरार होती है या नहीं होती, तो बहस और तकरार होती है जी। अच्छा, लेकिन वो जिस नीयत के ऊपर होती है उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो आपकी तरह हराने का नहीं है, नहीं। वो सीखने का है और बदलने का है। क्योंकि वो अना से आ रही है जी, वो अपने स्पेक्ट्रम को, अपने होराइजन्स को जो है वो बढ़ाने का नाम है, ना के अड़ जाने का नाम है जी। तो सूफिया जो है वो एक दूसरे से सवाल भी करते हैं जी, जिन चीज़ों के ऊपर जो है वो उनकी समझ क्लियर नहीं होती उसके ऊपर जो है वो मबाहिस भी करते हैं, लेकिन वो धुआंधार मबाहिस होने के बावजूद भी बड़ी नरमगी रखते हैं, बड़ा अदब रखते हैं, क्योंकि उसकी फाउंडेशन सीखने के लिए। सही। तो ये जो अकवाल के ऊपर और इन बुज़ुर्गों के उसके ऊपर बहस की दुकानें आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो है वो खुल जाती हैं जी। ये सारे वो लोग हैं कि जिनकी परवरिश जो है वो किसी चीज़ से लुत्फ उठाने में नहीं हुई कीड़े निकालने के अंदर जो हुई है, क्योंकि उनकी ज़ात के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते ही चले आए हैं। बिल्कुल जी। तो अनप्रिपेयर्ड माइंड्स हैं इन टेक्स्ट को, ये बड़े सेक्रेट टेक्स्ट हैं, ये बड़े विजडम से भरे हुए जो है वो जुमले होते हैं जी। मैं हमारे एक दोस्त थे वो कहते थे कि ये स्पिरिचुअल लर्निंग के जो है वो एनर्जी बूस्ट हैं। सही जी। क्या आपने जो है वो दिन में चलते हुए और यकदम कोई चीज़ पढ़ी है देन यू गेट द स्पिरिचुअल एनर्जी बैक। तो इन सेक्रेट टेक्स्ट को जो है वो बड़े ध्यान से जो है और बड़े अदब के साथ उनकी तकदीस के साथ जो है इनको पढ़ना होता है, ना कि ये आम पीस ऑफ लिटरेचर हैं जो आपको एंटरटेन करने आए हैं। ये आपको नरिश करने आए हैं, ये आपकी नशोनुमा करने आए हैं। दूसरा जो कुछ है वो आपको एंटरटेन करने के लिए है। तो ये जो है आपको नरिश करता है। तो इन सारे टेक्स्ट को सिर्फ उसी सूरत में आगे भेजा करें जब वो आपके ऊपर खुल जाए। सही। इसको कॉपी पेस्ट बेशक ज़रूर जो है वो आप करें, लेकिन जो चीज़ समझ आई है खुली है वो आगे भेजें।